सो अक्रम भाई अब हम करेंगे कैच एंड कुक वाला गेम। सो अभी आप क्या करने जा रहे हैं बताइए हमें जोर से। हम लोग ये स्नेक हेड का अभी बोनलेस पीस निकालने वाले। ओके। और अभी पहले इसको क्लीन करेंगे शेल इसका, उसके बाद में इसको वहाँ पे अपने स्टोन के ऊपर रख के, रॉक के ऊपर रख के इसको पूरा बोनलेस करेंगे। बोनलेस करने के बाद हम लोग ने पूरा लकड़ी वगैरह का अरेंजमेंट किया है, इसको वहाँ पे कैच एंड कुक का सेशन हम लोग का चल रहा है। गुड, वेरी गुड। तो पहले हो गया, अभी कुकिंग का, कुकिंग का हम करेंगे अभी। तो ये चाकू के बारे में हम जानना चाहते हैं कुछ, ये जो नाइफ है आपके हाथ में। ये नाइफ तो एक्चुअली बहुत शार्प है, इसको कवर भी दिया है। हाँ। ये मस्टर्ड कंपनी का है, मैंने इसको लिया था। इसमें बेनिफिट ये है कि एक तो बहुत शार्प है ये। और इससे आप स्केलिंग कर सकते हो, मतलब इसका स्केल निकाल सकते हो मच्छी का। अच्छा, ये स्केल निकालने के लिए काम आता है ना? निकालने के लिए काम आता है। और ये काफ़ी शार्प है, इसे फिलेट नाइफ बोलते हैं इसको। हाँ। ऑलराउंडर नाइफ यूज हो सकता है, आपके टैकल बॉक्स में रखना चाहिए इसको। सो गाइस, हम हर एक एंगलर को अभी ये टैकल बॉक्स में इस तरह का नाइफ रखना चाहिए। ये थोड़ा बहुत आपके सेफ्टी के लिए भी काम आता है, प्लस आपको, आप कुछ भी मछली पकड़ते हो, उसको कैचन को करना चाहते हो, फिले निकालना चाहते हो मच्छी का, या उसको काटना चाहते हो, तो आराम से इससे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नाइफ है। आज हम कैचन को का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते सर। तो अभी हम पहले वॉश कर ले रहे हैं ऊपर से फिश को। ये स्नेकेड हमने अर्ली मॉर्निंग सेशन में पकड़ा हुआ था, सो हम इसका अभी कैचन कुक का सेशन करने वाले हैं एंड अपने लंच का जुगाड़ कर रहे हैं गाइस। लंच में हम स्नेक हेड टेस्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट स्नेक हेड होगा जो मैं टेस्ट करूंगा, आई थिंक सो। शायद मैंने कोल्हापुर वाले ट्रिप में भी टेस्ट किया था, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा मच्छी मैंने टेस्ट किया था। इसको इधर से काट के इसको डायरेक्ट क्या करना है, पहले इसका मुंडी ब्रेक करने का। अच्छा। ब्रेक करने के बाद में फिर यहाँ से ये जगह ओपन होता है, यहाँ से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। बहुत ही शार्प है ना नाइफ? बहुत शार्प है। इसका सब इंटरनल पूरा निकाल के और थोड़ा साफ करके फिर अपन फिलेट कर सकते हैं इसका डायरेक्ट बोनलेस। अच्छा। जो कि इसका जो है बीच वाला बोन रहता है ना, इसके ऊपर रखते हुए इसको खाली ये नाइफ को खाली इसका प्रेस करते जाना, बस अपने आप कटते जाएगा और सेंटर में हड्डी के बोनलेस अपने आप पार्ट निकलते जाएगा इसके बाहर। ये ध्यान रखो ये चाकू स्लिप होके हाथ में ना लगे। देखो इसका फ्लैश देख सकते हो कितना पिंकी निकल रहा है। स्वीट वाटर का सबसे टेस्टी फिश है, हैदराबाद में तो काफ़ी फेमस फिश है। ऐसा करके पूरा इसको टेल तक के ले रहे हो। स्किन नहीं निकल सकते क्या? ये हम लोग का अभी क्या है, ये रफ सरफेस नहीं मिल रहा है ना। मतलब ये इवन सरफेस नहीं है, इवन नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे बैठने को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगले ट्रिप में हम लोग को चॉपिंग बोर्ड लाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। हाँ। साथ में इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक बोनलेस हो गया है, दूसरा बोन वाला है। अभी उसको भी बोनलेस बनाएंगे हम, उसका बोन का पार्ट पूरा रिमूव कर देंगे, फिर दोनों बोनलेस पीस हमारा रेडी हो जाएगा फॉर कुकिंग।
रॉड तोड़ेगा, रॉड साइड में ले, आराम से आराम से। नहीं रे करेंगे ना, एक अच्छा रखा है, बोनलेस पीस निकल जाएगा दोनों साइड से, इसमें स्किन नहीं है। और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्किन का फ्लेवर नहीं आएगा इसमें, तो और ज़्यादा टेस्ट एनहांस होता है इसका। तो भाई इसकी रेसिपी बताओ हमें, आप क्या क्या ट्राई कर रहे हो अभी? ये कांदा लहसुन मसाला है, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑनियन गार्लिक मसाला, ओके। ज़्यादा से नहीं, 30 रुपये का ये पैकेट आता है। ये पहले हम लोग इसमें इसको डालेंगे मसाला, अभी मैरिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिनेट करेंगे थोड़ा, एक 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके लिए, इजीली मैरिनेट हो जाता है। इसके अंदर सारे मसाले मिक्स है ऑलरेडी। अच्छा, फिश ज़्यादा है इसके लिए थोड़ा हम लोग मसाला भी ज़्यादा लगाएंगे। और इसके बाद में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ये हल्दी है 2 चुटकी भर डालेंगे इसका। फिर इसके बाद में है हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं हम लोग को थोड़ा स्पाइसी खाना, इसके लिए हम लोग हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर है कि मिर्ची पाउडर? हाँ ये मिर्ची पाउडर है, सॉरी हल्दी पाउडर पहले ही डाल चुका है मैं। और ये नमक है, सॉल्ट, सब हमारे फ्रेंड ने सब लेके आया हुआ है घर से। हम लोग के स्पून नहीं है इसके लिए, हम लोग हाथ से डाल रहे हैं अंदाजे से। सही है? हाँ अंदाजा सही है। और ये हम लोग एक लेमन डालेंगे इसके अंदर, पूरा नींबू डाल देंगे ताकि वो पानी डालने की और तेल डालने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोगों को थोड़ा सा लेमन फ्लेवर भी चाहिए इसके लिए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं इसमें ताकि लेमन का टेस्ट आए। गाइस आप लोग ये रेसिपी ट्राई करिए घर पे, आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा लगता है ये। और आप फिशिंग के लिए कहीं आउटडोर जाते हो तो ये सबसे आप कैरी कर सकते हो, अगर जो आपको होटल नहीं मिलता या आप बाहर कैच एंड कुक करना चाहते हो तो ये सबसे इजी रेसिपी है आपको। अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा एक 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हम लोग ने बोनलेस पीस ऐसे इवन पीसेस काट लिए थे तो ये जल्दी से मैरिनेट हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गाइस हमारा मैरिनेट करके अभी फिश हमारा रेडी है जो स्नेकेड है, तो अभी हम इसको कुक करेंगे। कुकिंग करने के लिए हमने लकड़ी पे आग जलाई हुई है एंड तवे पे हम उसको फ्राई करेंगे, एंड जब फ्राई हो जाएगा तो मस्त एकदम खाएंगे मज़ा लेके। तेल अभी हम लोग थोड़ा ही डालें, अभी वो एक मीडियम हीट पे रेडी हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग इसमें ये थोड़ा गैस फास्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा और लकड़ी डाल देंगे तो फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये अपना गाउटी स्टाइल का गैस है। तो हम लोग स्टार्ट करें, पहला हम लोग फिलेट फिश का हम लोग डालने जा रहे हैं इसमें। सब देख सकते हो कैसा ये एकदम स्लो हीट के ऊपर एकदम बन रहा है। Thank you.
हिटिंग टू मच बोलो अबे को पछतो नहीं। अरे ये रखो ना मेरे भाई, फाड़ो फाड़ो उसका। अच्छा भाई दो सेकंड दिया, वन सेकंड क्या प्लेस योर ट्रे हियर। भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन गया अभी, बदलो आदमी। सेकंड ट्रैक पलटी पलटी प्लीज। सेकंड ट्रैक मारने आ गया करो। रेडी हो गया? हां रेडी है, रेडी है पूरा फ्लफी एकदम। एनी प्लेस टू फॉर लिटिल टू हेल्प मी स्टॉप हियर। गुड अकरम भाई, हां बेस्ट है बोलो ना। डाल दो अभी, डाल दो। कहोगे ना अभी डायरेक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यू टच हियर, टच। अरे ओ माय गॉड, सॉरी माय माय ट्रे विल गेट बर्न। केपिया केपिया। तो भाई जब हम टेस्ट करेंगे कैसा बनाया हुआ है हमारे अकरम भाई का करामात देखते हैं। हाँ हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है। नमक ज़्यादा हो गया? अच्छा लग रहा है। वीट नंबर बहुत गर्म है भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा टेस्टी फिश खा रहा हूँ मैं। टेस्ट करते हैं। इसी तरह से आप लोग भी किचन कुक करें, एंजॉय करें गाइस। बाकी तो डाल यार, बराबर मिक्स नहीं होता ना तो एक सो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा रहा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है गाइज़ तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज़। एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।